नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रेन की जिसने माता के दरबार में जाने की इच्छा रखने वाले भक्तों की राह आसान कर दी है। दिल्ली से कल शाम रवाना हुई श्री शक्ति एक्सप्रेस आज सुबह 5:10 पर कटरा पहुंच गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली से बैठे यात्री सीधे कटरा बेस कैंप तक पहुंच गए हों। इससे पहले तक यात्री ट्रेन से सिर्फ जम्मू तक ही जा पाते थे। आगे का सफर उन्हें सड़क के जरिए तय करना होता था जिसमें काफी वक्त लगता था, लेकिन नई ट्रेन ने पहाड़ के सफर को आसान बना दिया। ट्रेन में सवार भक्त पूरे रास्ते खासे उत्साहित रहे। इसी ट्रेन में जम्मू से हमारे संवाददाता पवन शर्मा भी सवार हुए। उन्होंने ट्रेन की सुविधाओं का जायजा लिया और भक्तों से बातचीत की। आपको बता दें कि माता के भक्त अब रोज दिल्ली से कटरा और कटरा से दिल्ली का सफर कर पाएंगे। कटरा से भक्तों को लेकर ये ट्रेन रोज रात 10:55 पर रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 10:45 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। कुल 655 किलोमीटर के सफर का न्यूनतम किराया ₹1,000 है। और ट्रेन जब दिल्ली से जम्मू पहुंची तो हमारे संवाददाता पवन शर्मा जम्मू में श्री शक्ति एक्सप्रेस में सवार हो गए। दिल्ली से कटरा के लिए ये पहली ट्रेन थी। जम्मू से कटरा की 50 किलोमीटर की दूरी में पवन ने जानने की कोशिश की कि माता के भक्तों के लिए ये कितनी खास है। हम इस वक्त श्री शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन के भीतर हैं। जम्मू से हम लोग निकले हैं कटरा के लिए। यहाँ पर श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे कि कैसा उनको महसूस हो रहा है। कटरा जा रहे हैं ट्रेन में, पहली ट्रेन है जो कटरा पहुँच रही है। ये ट्रेन पूरी तरह से एसी ट्रेन है और ये भी बता दें कि ये ट्रेन जो है दिल्ली से चली थी जम्मू तक, जम्मू से सीधी कटरा जा रही है और वहीं पर आज रात को वहाँ से कटरा से यही ट्रेन दिल्ली तक जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी सुविधा है क्योंकि पहले काफ़ी समय से लोगों को एक इंतज़ार था कि कब कटरा रेल लाइन शुरू हो। पहले उनको बसों में आना पड़ता था, जम्मू में काफ़ी समय तक इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब ये एक ट्रेन सुविधा शुरू हो चुकी है जिसका लोग काफ़ी यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, जम्मू, IBN 7। न्यू दिल्ली से कटरा तक रेल सेवा शुरू हो चुकी है। ये पहली ट्रेन है श्री शक्ति एक्सप्रेस जो दिल्ली से अभी जम्मू पहुंची है। जम्मू के बाद ये ट्रेन श्री कटरा जाएगी और IBN 7 की टीम इसी ट्रेन में ट्रेवल कर रही है। श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे और रास्ते में जो रेलवे के इंजीनियरों ने अपनी कुशल कार्यवाही की है वो प्राकृतिक नज़ारा भी हम लोगों को दिखाएंगे। हम इस वक्त कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का जत्था है जो दिल्ली से यहां पर आए हैं। पहली बार ट्रेन यहां पर पहुंची है श्री शक्ति एक्सप्रेस जो ट्रेन है, इसमें श्रद्धालु सवार होकर कटरा स्टेशन पहुंचे हैं और यहीं से ये लोग माता के दर्शन करने के लिए भवन तक जाएंगे। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, कटरा, IBN 7। हम इस वक्त श्री शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन के भीतर हैं। यहाँ जम्मू से ये गाड़ी चली है कटरा के लिए। हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धालु हैं जो दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, कटरा तक जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, पहली बार ट्रेन में जा रहे हैं, कैसा सफ़र महसूस हो रहा है और क्या क्या इनकी जो मुरादें हैं जो माता के दरबार में जाएंगे। आप हमें बताइए पहले कि ट्रेन दिल्ली से चली है, पहली बार ट्रेन में जा रहे हैं। पहली बार ट्रेन में जा रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली से हम जम्मू कटरा जा रहे हैं, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है, इतनी इन्जॉयमेंट हो रही है। बहुत ही अच्छी ट्रेन चालू करी है, बहुत अच्छी इस ट्रेन की टाइमिंग है, बहुत अच्छा खाना लगा, बेडिंग बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बहुत अच्छी ट्रेन। आप हमें बताओ कि पहले आते थे तो कैसे आते थे, अब जा रहे हैं तो कितना महसूस हो रहा है। वैसे माता की कृपा से मैं 2 साल से तो हर महीने आ रहा हूँ, हर महीने मेरा चक्कर लगता है, पर ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना माँ का बुलावा आया है। अब ऐसा लगता है माँ ने ट्रेन भेजी अपने भक्तों के लिए, और जैसे पिक्चर में आता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये फर्स्ट ट्रेन पहले यात्री हम बने। रात को 9:30 न्यूज़ चैनल के आपके उसमें फ्लैश हुआ कि ये ट्रेन चलनी है, हमने इमीडिएट 10:55 पर ये ट्रेन फ्लैश हुई। हमने 12 बजे मैंने सबसे पहले 2 टिकटें निकाल ली इसकी, कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं पहली ट्रेन अपनी माता रानी के द्वार जा रहा हूँ। जय माता दी। आप बताइए कैसा लग रहा है, आप जा रहे हैं ट्रेन में, पहली बार ट्रेन में बैठे हैं जो कटरा तक जा रही है। पहले तो बैठे होंगे कटरा, पहली बार जा रहे हैं, पहले बस में आते थे या वायर आते थे, क्या दिक्कत होती थी, अब क्या सुविधा मिल रही है? दिक्कत बताइए, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, मतलब उसके अंदर कन्वेंस लेनी, पहले जम्मू उतरेगी ट्रेन, उसके बाद फिर कन्वेंस लेनी। अब सीधे अपना घर से एक तरह से निकले, जस्ट एक अपना मतलब कोई भी कार पकड़ी, अपना भैया हमारे छोड़ ड्रॉप करके गए, ट्रेन पकड़ी, ट्रेन सीधा कटरे, ऐसा लगा कि माँ का शेर हमारे को लेने आया और सीधा ड्रॉप। आप हमें बताइए कि अब यहाँ से जा रहे हैं, सीधा दिल्ली से आए हैं, अब कटरा जाएंगे ट्रेन में, क्या महसूस कर रहे हैं, माता के दरबार जा रहे हैं ट्रेन में? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस। अब सुविधा किस तौर पे बताइए, पहले आते थे कितनी दिक्कत होती थी, अब आप जा रहे हैं ट्रेन से तो कैसा महसूस हो रहा है?
सुविधा तो यही है जी, आने जाने में तकलीफ होती है लोगों को, बस पकड़ते हैं 2 घंटे 4 घंटे यहाँ खड़े रहते हैं, फिर जाते हैं, फिर टाइम तो लगता ही था। अब सीधी दिल्ली से जाएंगे, सीधा कटरा तक पहुँचेंगे। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने कहा कि पहले इनको असुविधा होती थी, आना पड़ता था, काफ़ी समय इनको गाड़ियों का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब जो एक ट्रेन शुरू हो गई है, ये पहली ट्रेन जो कटरा तक जा रही है, उसमें ये लोग जो जा रहे हैं इन काफ़ी खुशी है। और ये इनका ये भी कहना है कि ये एक माता का बुलावा है जो सीधा ट्रेन इनको लेकर कटरा तक जा रही है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, IBN 7 जम्मू।